और मैं अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई थी, उनके बारे में क्या कहना चाहूँगा? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो इंडिया की मतलब हमारी जेम थी एंड वो, मैं ये विश्वास रखती हूँ कि जब ऐसे कोई लोग चले आते हैं वो कभी हमेशा मतलब कभी पूरी तरह से नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके गाने हमारे साथ तो हमेशा हम सबके दिल में रहेंगे। तो ऑफकोर्स रेस्ट इन पीस एंड हम उनके गाने सुनते रहेंगे ऐसे ही, और 100 साल 200 साल उनके गाने चलते रहेंगे, हम उन्हें याद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अभी एकता मैम का शो आ रहा है लॉकअप करके, क्या मैम आपको अप्रोच किया गया? नाम तो सुनने में आ रहा है, आप जा रहे हो जन्नत जुबेर फैजू जी और अवनीत कौर, नाम आगे चल रहे हैं, क्या आपको ऑफर किया गया है लॉकअप? जी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए बात हो रहे हैं, तो देखते हैं कि मैं रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट हो वो सरप्राइज हो, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड। और तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि कंगना जी शो हॉस्ट कर जी, क्या ओके okay, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है एंड उनकी मतलब जितने भी फिल्म से मैं सब मैंने सब देखा हुआ है एंड वो फर्स्ट सब लोगों के लिए, तो ऑल द बेस्ट एकता मैम को एंड कंगना मैम को। और मैम अभी अश्नूर जी का भी सॉन्ग आ रहा है आज ही, उन्होंने पोस्ट डाले, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड 2022 स्टार्ट हुआ है, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं बहुत प्राउड हूँ अपने फ्रेंड्स के ऊपर एंड ऐसे ही हम सब अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। आपके क्या प्रोजेक्ट्स आएगा अभी आने वाले? वही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर बात हो रही है, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि सब फाइनल हो तो मैं आप सबके साथ रिलीज कर पाऊँ, क्योंकि हमेशा मैं अपने फैंस के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो लाइन अप है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आपने गंगूबाई का ट्रेलर देखा? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आलिया भट्ट वैसे एक एक्ट्रेस है जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो इतनी अलग अलग टाइप के रोल्स कर रही है, तो गंगूबाई को मतलब बहुत ही अच्छा रोल है, सच्चे लिया चाली सर तो मतलब बहुत ही अच्छा अच्छे डायरेक्टर हैं, सारे जितने भी फिल्म सब इतने इंटरेस्टिंग है, तो बहुत अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन आलिया का और सच्चे लीला चाली सर। और मैं अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई थी, उनके बारे में क्या कहना चाहूँ? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो इंडिया की मतलब हमारी जेम थी एंड बट वो, मैं ये विश्वास रखती हूँ कि जब ऐसे कोई लोग चले आते हैं वो कभी हमेशा मतलब कभी पूरी तरह से नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके गाने हमारे साथ तो वो हमेशा हम सबके दिल में रहेंगे, तो ऑफकोर्स रेस्ट इन पीस एंड हम उनके गाने सुनते रहेंगे ऐसे ही, और 100 साल 200 साल उनके गाने चलते रहेंगे, हम उन्हें याद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाइस टू मीट यू।